सिंगरौली जिले के गोरबी पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन एवं एसडीओपी कृपा शंकर द्विवेदी के निर्देश में तथा मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में गोरबी चौकी प्रभारी संदीप नामदेव ने गोरबी चौकी अंतर्गत महदेया से पत्नी रेखा केवट की हत्या करने वाले आरोपी पति सुरजीत साकेत को 24 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि महदेया निवासी सुरजीत साकेत ने अपनी पत्नी रेखा केवट को स्टंप से पिटाई कर दिया था, जिसकी वजह से महिला के सिर में गंभीर चोट आई थी। महिला को जयंत नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर महिला के सिर में चोट आने के कारण महिला की मौत होना पाया गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए मोरवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रेखा केवट निवासी नवहिया की रहने वाली लड़की थी, जो कि 4 वर्ष पहले करीबन ये 2016 में अब उसी के गांव के पड़ोस में मदैया गांव है, मदैया निवासी सुरजीत साकेत के साथ में प्रेम विवाह की थी। दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। उसके बाद ये रेखा केवट का जो पति है, इसके ऊपर संदेह करने लगा कि तुम्हारा चरित्र जो है सही नहीं है और तुम किसी अन्य के साथ में मेरे अलावा भी मिलती जुलती। उसी बात को लेकर के उसके साथ से मारपीट करता था। 10 तारीख को जो मृतका का पति है आरोपी सुरजीत साकेत, डंडे से उसके साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद वो वहाँ बैठन जो है उसको ले गया, रास्ते में भी मारपीट करता रहा। उसकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हो गई तो इलाज के लिए नेहरू अस्पताल जयंत उसको भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के ही दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान उसका पंचनामा करवाया गया, पोस्टमार्टम जो करवाया गया, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। उससे पूछताछ की गई, उसने अपने मृतका रेखा के चरित्र पर संदेह के कारण डंडा से मारपीट कर हत्या करना कबूल किया, जिस पर से थाना मोरवा में अपराध है धारा 302 भादवी का कायम कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी सुरजीत साकेत पर अपराध सबूत पाए जाने से उसे गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय जो है भेज दिया गया है।